अटल। तो ज्ञान सरोवर बना था और बाबा उद्घाटन करने, खुद बाबा दादा ने उसका उद्घाटन किया था। और एक ही बार बाबा ज्ञान सरोवर में आए, पांडव भवन, एक ही बार, वो उसी आज के ही दिन था, 18 जनवरी। उसके बाद शांति वन में आते रहे, बंद नहीं करो, थोड़ा स्लो कर दो। तो ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, सुबह 11 बजे बाबा की मुरली चली, क्योंकि उद्घाटन उसी समय था। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने मिलने आए। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। 18 जनवरी उस दिन शाम को नहीं आए, सुबह ही आए थे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख, बाप भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है? बोलो भाई। चलो, मधुबन के समय की तो बात अलग है, यहाँ बाबा साथ नहीं है ये पूछ रहे बाप, ऐसे लगता है? सब नहीं बोल रहे, सदैव साथ है ना? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सदैव साथ है, वो तो साथ था तो चलो, हमारा, हम आत्माओं का पाठ था, आ गए। अभी सदैव साथ है कंबाइंड, तो क्या बाबा पूछ रहे हैं? साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे और आगे भी साथ साथ रहे और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी तो अकेला अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को लगता है अकेले है? वैसे भी फादर को, पेरेंट्स को अच्छा लगता है अकेले, वो चाहे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बच्चे दूर बैठे होते हैं अगर फिजिकली भी है, पर अच्छा तो साथ में रहता है ना। तो आगे भी साथ साथ है और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, साथ साथ है। देखो तीन बातें, साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे और आगे साथ साथ राज्य करेंगे, ये भी है। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा है साथ साथ राज्य करेंगे, इसके लिए कह रहे हैं। कौन पूछ रहा है? साथ साथ राज्य करेंगे ना, ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं। शिव शिव आपको आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद आता है ना, आज सेवाधारी है और कल, देखो 18 जनवरी की मुरली और 8 जून, तो आज सेवाधारी है, सभी जा रहे हैं ना सेवा करने, और कल जो सेवाधारी होगा, हाँ वो कल राज्य अधिकारी बनेगा। राज्य अधिकारी बनने के लिए पहले सेवाधारी बनना पड़ेगा। आज लॉटरी मिल गई ना जिन्होंने सेवा के लिए ऑफर किया, तो अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना। चलो याद करो, डेट बैक करो या प्रोग्रेशन करो, स्वर्ग का नजारा,
और मैं आत्मा ऊपर से उतरी, परम धाम से नीचे। और देव चोला, देवात्मा का चोला, प्रवेश किया। चेहरा मेरा दिव्य, त्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। नेत्र एकदम रूहानी, दिव्य नेत्र, मुस्कुरा मुस्कान, रूहानी मुस्कान, शब्दों में सम्मान। ओम शांति। बाबा कह रहे याद करो, तो सबके सामने स्पष्ट है ना, अपना अपना चूज कर लिया ना, बस धारण किया कि किया। कौन सी मुरली थी? खूंटी पर टंगी हुई हो, फरिश्ता सो देवता, इस संडे की पहले वाली संडे की मुरली थी ना, खूंटी पर टंगी हुई हो। ऐसा अनुभव होता है ना, अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है, पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना, सब आए थे, हम भी गए थे इस मुरली के समय, पर हम लोग बाहर बैठे थे। गुलाब भाई थे आप? हाँ, तो सब गए थे, लेकिन बहनों को बाहर बिठाया था, आजा आई का बाबा के भाई अंदर थे। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना, बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रतन, जो सामने बैठे कौन, दादिया, और दूसरे स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन उसके बाद, तो जो 14 साल वाले और बाकी सब दादी आई थी। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन था उन दिनों की, दीदी तो नहीं थे, चंद्रमणि दादी तो सब थी, ये शांतामणि दादी है। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। आफ्टर मधुबन, पांडव भवन ही पहली बाबा का बड़ा स्थान। दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से, शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं देखो, सुनो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, ये डिसरिस्पेक्ट है। ये ठंडी हवाएं, अब रिस्पेक्ट क्या होगा, आप बच्चों से सलाम करने आती है। कितना पॉजिटिव, आएगी ना सामने सलाम करने के लिए, तो सामने आएगी ना, हमारे स्पर्श से वो भी पीसफुल हो रही है, प्रकृति को भी आनंद मिल रहा है। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते तो पीछे से क्या होता है, याद करो, पीछे से क्या होता है, चवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाई तो होती है ना, ये तो ये ठंडी हवाई भी चवर झुलाने आती है, व्हाइट कलर का नहीं होता है, क्योंकि आप सब भी ऊंचे थे, ऊंची विशेष आत्माएं हो, बहुत ठंड लग रही थी मधुबन पांडव भवन में, और ज्ञान सरोवर उससे ऊपर है, मालूम है ना, तो दो एक दो डिग्री ज्यादा ही होता है, मतलब ठंडी में ज्यादा होता है, तो ठंडी है, तो ये ठंडी हवाई भी चवर झुलाने आती है। नशा है ना, तो आज ब्रह्मा बाप विशेष जन्म के साथी और सेवा के साथी,
सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, सेवा वाले और जन्म के दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है, ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। ये एक्चुअली ज्ञान सरोवर में पहले सबसे पहले डोम बना पीछे ना, सेकंड राज ऋषि भवन, आप लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा, वो डॉर्मेट्री है, दस दस वहां रहते हैं। हम फर्स्ट ज्ञान सरोवर में वही रहे थे, डॉर्मेट्री, और उसके नीचे हॉल है राज ऋषि हॉल, तो वही क्लासेस होती थी सब, हमारी हमारी पूरी ट्रेनिंग वही हुई थी ज्ञान सरोवर डॉर्मेट्री में पूरा। तो वो बना और उसके बाद फिर ये राज दरबार लगती है, तो गैलरी में बैठते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल, क्योंकि अभी तो खैर हम बहुत ऑडिटोरियम देखते हैं, हर रिट्रीट सेंटर में एक ऑडिटोरियम है। उस समय मधुबन वो जो था ओम शांति भवन के बाद यही था, तो ये उसका कंसेप्ट पूरा ऑडिटोरियम का लुक है ना, मतलब है ही ऑडिटोरियम। राज दरबार लगते है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले अच्छे लग रहे हैं, हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी है। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। ठंडी हवा है, वो चवर डुला रही है, बाहर बैठे हैं तो त्याग का भाग्य, अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। 11 बजे का टाइम था। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे, पूछ रहे बाबा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है, ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। सबको पता है ना कैसे ही मैजिकल था ज्ञान सरोवर, मालूम है ना बैकग्राउंड क्या था, वो दूध वाला एक आता था मत पांडव भवन में, और बाबा का संकल्प आया, बाबा जाते जाते नीचे आए लास्ट में पांडव भवन में, और दादी को बुलाया और बोला एक स्थान लेना है, मतलब लास्ट में बाबा की वो गीत चलता और बाबा जा रहे होते ना, तो बाबा को ख्याल आया। उसके दूसरे दिन ये दूध वाला आया और उसका ये, तो उसने ऑफर किया कि हमारा लैंड है, वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल में जैसे असंभव काम था, तो वो देख उसने बताया मेरा एक स्थान है, तो देख के आए वल्लभ दादा निर्वैर भाई, पसंद आ गया, लेकिन अब क्योंकि बाबा ने कहा है लेना है, तो अब उसको पर ले कैसे, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ड्रामा। फिर बाद में 92 की बात है, फिर सुनाया था ना, याद है राइट्स हो गए, बाबरी मस्जिद राइट 6 दिसंबर, तो उसके कारण डेमोलिशन हुआ, राइट्स हुए, बहुत इतने 2000 मरे सब सब जगह। राजस्थान में गवर्नर प्रेसिडेंट्स रोल आ गया, और उस समय थे भैरव सिंह शेखावत सीएम थे वहां के, तो सीएम की पोस्ट चली गई, गवर्नर्स रोल आ गए चन्ना रेड्डी, और वो थे बाबा के बच्चे। और फिर उनको जब कहा कि ये चीज है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट बुलाई अपनी सभा, कहा कि इसको करना ही है, गवर्नर्स ऑर्डर आ गया, तो फिर वो स्टार्ट हुआ। और क्योंकि अभी अप्रूवल आ गई एग्रीकल्चरल को नॉन एग्रीकल्चरल करना, और फिर बाद में तो बोला फास्ट करो, और बाबा के संदेश आते थे फास्ट करो,
फास्ट करो, क्योंकि 1 साल में के बाद ये गवर्नर्स रोल चेंज होना था, फिर बाद में दूसरी पार्टी आती, फिर कुछ बाबा बार बार कहते थे फास्ट करो, संदेश आते थे। तो 1 साल में ये बना, जितना बना उस समय बन गया। वो जो हारमोनी हॉल के सामने वो जो अनकंस्ट्रक्टेड है ना, वो अभी तक अनकंस्ट्रक्टेड है, बाबा कह रहे हैं। तो इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा, है कि नहीं? देखो बाबा के एक एक महावाक्य, जो ज्ञान सरोवर जाता है वो ब्रह्मा कुमारी इसके पूरा बिलीव, अगर नहीं बिलीव करता है बिलीव करने लगते हैं, और अगर अच्छा है तो पक्के बच्चे बन जाते हैं। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएगी, अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी, और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार की प्राप्ति के प्राप्ति संपन्न है। कोई बच्चा ही बन जाएगा। हाँ, अंतर थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए दीदी, इसका वर्षा, वरदान और तीसरा वाला। तो वर्षा मतलब पक्के बच्चे बनेंगे, और कोई बाबा के वरदान, उसको यहाँ आकर इस तरह की फीलिंग होगी वरदानों की, तो वो वरदान उस मतलब जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन मिल रहेगा, वरदान हो जाएगा। जैसे ये वहां आके चेंज हो गए, और वो चेंज उसके लिए जीवन के लिए ब्लेसिंग हो गई पूरी। वरदानों के अधिकारी और कोई दुआओं के अधिकारी, अर्थात अच्छा अच्छा कहने वाले, दुआएं देने वाले। माइक आत्मा आएंगे क्या इसमें दीदी? हाँ, माइक आत्मा आएंगे क्या इसमें? हाँ, माइक आत्माएं, तो वो दुआएं देगी। और कोई मतलब इतना चेंज लाएंगे अपने आप में, चलो बच्चा न भी बने, चेंज लेके आ गए, वो चेंज उसके लिए वरदान बन गया, और कोई तो बच्चा ही बन गया। ठीक है, कितनों को यहाँ ज्ञान सरोवर में से आने के बाद बाबा पर निश्चय बहुत पक्का हो गया। क्योंकि सबको हम लेके गए ज्ञान सरोवर, कोई नहीं है जो नहीं गया ज्ञान सरोवर। आज इस बार जा रहे हैं, आप भी नहीं गए। वैसे जीके वालों को हर साल ले जाते हैं प्रोग्राम में, पहला पहला आउटिंग आपका ज्ञान सरोवर ही रहा है हमेशा। ठीक है, अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं तो 3 प्रकार के लोग हैं, तो आप हम आप किस में है? वरदान, वर्षा, दुआए। वर्षा तो ये श्रेष्ठ सरोवर है, तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न साधारण आत्माएं आएगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव, अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत साइलेंस, ज्ञान सरोवर की भट्टी के एक अपना आनंद है। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का साधन है।
और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। विश्व में पहला मार्केटिंग कैंपस बाबा का, सारे ज्ञान सरोवर बनने के बाद तो कितनी धूम हुई सेवाओं की, क्योंकि स्थान ही नहीं था ना हमारा। 200 में क्या होने वाला है बाबा के बच्चों के लिए भी, और जैसे पांडव भवन है उन दिनों थोड़ा 300-400 था ज्यादा से ज्यादा, और फिर रहने के लिए अगर हॉल भी 3,000 का था शांति, पर रहने के लिए तो नहीं था ना, होटल्स में रुकाते थे। तो ये वो स्थान बना। तो बाबा कह रहे हैं तो समझा, तो सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों का मिलन का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे ना, चाहे बाहर बैठे या कहां भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष और बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, किस किस ने सहयोग दिया, कोई भी है पुराने? नहीं है, मेधाबेन है, वसंत भाई ज्ञान सरोवर के सहयोगी नहीं हो? अच्छा नहीं, अच्छा, गुलाब में आए, उर्मिला बेन आठ नौ में, अच्छा गुरु, हाँ गुलाब भाई है, एक एक रुपया का सहयोग दिया था ज्ञान सरोवर। हमारे बाबा के कमरे एक भंडारी रखी हुई थी ज्ञान सरोवर के लिए, तो वो तो स्टोरी तो सबको पता ही है उसकी। तो उमंग दिलाया है, तो बाबा कहते स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले, सहयोग देने वाले को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों, एक साल में कंप्लीट होना। तो स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। बच्चे भी जाते थे ना, एक रुपये डालना है, बोल दिया था कि एक रुपये रोज डालना है तुम्हारी सेविंग से, तो गुल्लक में एक रुपये डाल के आते थे। मैंने भी किया दीदी का, एक एक रुपये डालते थे। अच्छा देखो बाबा के कार्यों में जो सहयोगी बनते हैं उनको नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं तो ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। दादी ने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया ना, इतने सारे ब्राह्मण, इतने रोज एक रुपए डालेंगे, इतने रुपए होंगे, एक एक का 30 रुपए इंटू इतने। तन से ईटे नहीं भी उठाई है लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथ ही बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहे। हर एक आत्मा का सहयोग जब मिलता है ना बाबा के बच्चों का, वो स्थान बहुत विशेष होता है, क्योंकि वो जो धन लगता है वो बहुत प्यार से लगता है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष किसको, जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, एक साल में कंप्लीट करना। तो पांडव भवन में जो कमल कुंज है वहां से भाई आते थे और करते थे, और दादी कॉटेज जहां भी है वहां वो एक स्थान बनाकर रहे थे। तो बाबा विशेष मुबारक दे रहे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई है लेकिन प्यार से उठाई है, मोहब्बत में
मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुणा मदद है। कुछ भी बात में हिम्मत नहीं आ, बाबा की मदद होगी ही होगी। हताश नहीं होना बाबा के कार्य में, कोई भी प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में भी हताश तो नहीं, सबका बूंद बूंद का सहयोग मिला, सबने ईंट डाली, सबने ईंट डाली, तो बाबा कहते हैं बाबा की तरफ से बधाई होगी। तो मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है, तो बाबा कहते हैं मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। सब दादी भी होते थे ना, वो सब ईंटें उठाना, पहाड़ लैंड था लेकिन कई जगह पहाड़ भी तो था, और उसका स्पेशल ध्यान रखा गया कि इसकी टोपोग्राफी को चेंज नहीं करेंगे, जहां उसका नेचुरल इफेक्ट है उसे नेचुरल रखेंगे। इसलिए जितने भी पहाड़ है ना, आपने देखा होगा अगर ज्ञान सरोवर अच्छे से देखा है, वो जो जैसे वो वहां लाइटिंग कर दी नहीं सामने, वो उसको टोपोग्राफी को चेंज नहीं किया। अच्छा, बाबा पूछ रहे वहां बाप दादा की पदम गुणा मदद है भी है, इसलिए बाप दादा मसाज, सुनो, मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। सुना, बाबा के कार्य में मददगार होते हैं ना, थकान तो होती है, ठीक है। दीपिका बहन कहाँ है, सुषमा बहन, थकान होती है लेकिन क्या कह रहे बाबा, मसाज करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स, ये थे बॉम्बे, अहमदाबाद और जर्मनी, तीन आर्किटेक्ट थे, हिमांशु ठक्कर और उत्तम चंद जैन ये थे, और प्रोफेसर मिनी या मिक्की ऐसा कुछ थे जर्मनी के। तो वो डोम का जो था ना, वो उनका आउटपुट था कि दो डोम बनाना है, उसमें ठंडी में ठंडा, गरम पर गरम में ठंडा डोम में होता है, और नीचे कुछ वैसे वो नहीं है, तुमने देखा होगा आसन है, वो बाबा के कमरे वाला टिपिकल वो नहीं है नीचे। अच्छा, तो बाबा तो वो इंजीनियर्स थे, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे मोदी फैमिली, जितेंद्र मोदी, प्रदीप मोदी और ये सब थे। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक, आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा भी यही था ना, आप सभी उनों को मुबारक दे रहे हो ना। बाबा ने बुलाया स्टेज पर, बाहर स्क्रीन लगी थी वही देख रहे थे, जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है, ये मुन्नी पार्टी है। ये जो फिनिशिंग टच जो देते हैं ना, ये मुन्नी बहन, पूरे सरोवर जितने भी बनते हैं बाबा के बिल्डिंग्स, उसमें जो जो पूरा बेड्स चाहिए, फिर उसके डस्टबिन, मतलब जो जो सब सजाना होता है ना, वो मुन्नी पार्टी करती है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए, कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिसे सारी स्टेज सजी है। सुना कलकत्ते वाले, सुन रहे हैं सभी, ठीक है, यहाँ भी फूल लाना, फिर कलकत्ते से फूल आए उद्घाटन में। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। चाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, बहुत फेमस है ना साउंड के, तो सारे फिल्म लाइन के बहुत फेमस है, फिल्म लाइन के बहुत फेमस है, फिल्म लाइन के वो साउंड तो मेन इवेंट्स में साउंड तो श्वास होता है, तो वहां ज्ञान सरोवर, फिर शांतिवन, फिर ओआरसी, सब में साउंड का जो जाल मिस्त्री ने किया। तो देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे, सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना,
मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है, कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है, ये तो बहुत अच्छा प्रबंध है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहले मुबारक किसको दे, किसको दे? दादी को, बाप दादा को, किसी ने कहा? बाप दादा तो देने वाला है, बाबा किसको दे? किसी ने कहा बाप दादा को दे। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर वन सर्वेंट है बाप। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं, तो लाइट वाले को, लाइट माइट माइक सभी को, लाइट वालों को, साउंड वालों को और माइट जिन्होंने स्ट्रेंथ थी, सब तरह से सहयोग सहयोगी बने। टीचर्स से, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। टीचर्स अंदर थी, हम टीचर नहीं थे ना उस समय एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं, यहाँ सेवा की राजधानी और वहां, देखो यहाँ सेवा की राजधानी, वहां बोलो बोलो गुलाब भाई, वहां राज्य की राजधानी। पहले भी बताया, यहाँ सेवाधारी, वहां राज्य अधिकारी। तो यहाँ सेवा की राजधानी, वहां राज्य की जो यहाँ सेवा में सहयोगी होंगे, वहां राज्य की राजधानी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है, फॉलो फादर किया है? वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं, देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी की कर रहे हैं। एक विदेश का भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आर्किटेक्ट वहां, क्योंकि विदेशियों का बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था पूरी आर्की टोपोग्राफी को मेंटेन करने के लिए, तो कर रहे और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती चलाई, दिखाएंगे वो आज। अच्छा, तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटे, दिखाएंगे आपको। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में, एक्चुअली ये वाला स्थान जो, ये भी दिखाएंगे इसमें, तो आपको बता देंगे, वो हार्मनी हॉल के सामने जो वो जो था वो है ना, वो दिखाएंगे। एनीवे, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की। हमको याद है बाबा खड़े हुए, हाँ, और बाबा बाहर हाँ बाहर बाबा मिलने आएंगे, और बाबा चले पूरे वहां से लेकर चले थे, मतलब वहां स्टेज से, क्योंकि अंदर थोड़ी कोई वाहन होता है, और दादी का तन तो ठीक था ना, चल सकते। तो बाबा कह रहे हैं 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात दो महावाक्य उच्चारण किए, वह इस प्रकार के। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख हर्षित हो रहे हैं, ये सेवा के लिए है, और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो ना,
तो ऊंचा लहराते हो, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है, यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा भी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल आज तो ज्ञान सरोवर में ये झंडा लहरा रहा है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। बाहर बैठ आए थे ना बाबा, माताओं को देख रहे थे, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और जितना आपको देखने में आ रहा है ना, उतना अंदर पीछे वालों को नहीं आ रहा है। बाबा भी कितना बहलाता है, आप बाहर नहीं है लेकिन क्योंकि त्याग किया है ना, दिल के अंदर थे सब। बहुत बहुत देखो बाबा बोल रहे, आप बाहर नहीं थे जब मैं अंदर था ना, लेकिन दिल के अंदर थे। वैसे भी जो प्यार होता है ना पेरेंट्स को बच्चों से, अगर एक बच्चा डिप्राइव्ड है तो उसका ज्यादा चिंतन चलता है, नहीं ऐसा पेरेंट? तो जो भी ऐसे उस समय जिनको चांस नहीं भी मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा पेरेंट्स के बाबा के दिल के अंदर है, उस पेरेंट को बैठे बैठे यही ख्याल चलता है वो बच्चा बाहर है, नहीं है ना? तो देखो बाबा भी कह रहे, आप बाहर भी बाहर नहीं लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर दृष्टि डाली, ये भी दिखाओगे? भवनों पर दृष्टि डाली, पूरा जो भवन बन रहे थे, हार्मनी हाउस बन गया था ये, क्योंकि जो बना वो वही उसी समय बना था। तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे, ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। उस समय भी तन मन धन सबके लगे बाबा के कार्य में, और बाद में भी, बाद में जितने भी सेवा होते हैं, अभी भी विंग्स के प्रोग्राम, उसमें सब सहयोग देते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो ऐसे नहीं कि मधु स्पीकर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सब जो भी विंग्स से कनेक्टेड होते हैं वो सब स्पीकर्स होते हैं, तो सभी सेवा देते हैं। प्लान देते रहो, लेकिन प्लेन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन कर दो, और जब फाइनल मेजोरिटी करे तो बालक बन जाना। मालिक बन के प्लान देना, मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, मीटिंग में कैसे शामिल होना है, और बालक बनकर स्वीकार करना। समझा राजेंद्र भाई? मीनिंग, मालिक बन के प्लान दो और एक्सेप्ट, जब प्लान फाइनलाइज हो रहा है बालक बन जाना, मतलब अथॉरिटी से अपना इनपुट्स दो, बट ये नहीं कि मेरा ही इनपुट माना जाए, फिर बालक बन जाओ, इनोसेंट, जो भी मेजोरिटी ने एग्री किया राइट। प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं दो, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, फिर अगर नहीं यूज करते हमारी आइडियाज को फिर क्या करेंगे, अब मैं बोलूंगी नहीं बस, फिर जिससे वेयर होता है ना उसकी आइडिया तो जल्दी मान लेते हैं, अगर मीटिंग में कोई ऐसा हो
किनारा नहीं करो लेकिन प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो मालिक भी बनो, बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम मालक बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है, बोलो भाई। मालक और बालक, हाँ ये ना कुछ नहीं कह रहे, बोलो रंजना बहन, मालिक बनना आता है या बालक बनना भी आता है? प्लान देते समय मालिक और एक्सेप्टेंस होते समय बालक, फिर वो ईगो, नहीं तो ईगो बूस्ट होता है, मेरा प्लान हो गया। तो बाबा कह रहे बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है, क्योंकि जब भी होशियार हो गए हो ना, मालिक जल्दी बन जाते तो सेवा भी करनी है, मालिक जल्दी बन जाते सेवा भी करनी, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक, दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है, लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है, जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सभी ने देखा है पीस पार्क, किसने नहीं देखा पीस पार्क? नहीं देखा तो क्या किया ज्ञान सरोवर? तो अब जाओगे ज्ञान सरोवर तो देख के आना, पीस बहुत सुंदर बना हुआ है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करे रूहानियत की झलक तो आ ही नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ ही नहीं सकती। साउथ अफ्रीका का भाई है ना जिसने, जो निमित्त बना पीस पार्क का पूरा करने में और मेंटेनेंस रखने में, सारा बहुत मतलब लौकिक रीति से रिच है, बाबा के कार्य में सहयोगी फुल है। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। बाबा के हर स्थान पे बाबा फीलिंग्स की कितनी वैल्यू है, उस स्थान के कोई भी कुछ कुछ भी कंट्रीब्यूशन में फीलिंग्स की कंट्रीब्यूशन, तो सिर्फ पानी नहीं दिया है तो न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर भी बहुत प्यार से, ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर वन है, कितना भी कोई जाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते। ज्ञान सरोवर के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं। ये 28 जुलाई में देखो अभी ऑफर है, थोड़े दिनों के बाद ऑफर बंद हो जाएगा शायद जून एंड में। होटल्स वालों का मैंने बताया ना, उनकी तैयारी करो, सुना दमयंती बहन, सेवा करो ज्ञान सरोवर के। तो बाबा कह रहे हैं कितना वो ना करते हम क्या कहते, हाँ चलो तो तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए निश्चय की विजय होती है। जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है, तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। ये बाबा मधुबन निवासियों को बता रहे हैं, क्योंकि मुश्किल था ना एक साल में, तो जितना वो ना करते हम कहते हैं हाँ, बाप को आना ही है इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तलहटी में ऐसी वो स्थान देखा था और ले लिया था वो स्थान, वैसे कुछ रूप नहीं दिया था उस समय, क्योंकि 95 में ये है, 96 में तो तलहटी बनना शुरू हो गए शांतिवन। ये मेला बनाने की तैयारी कर रहे, अच्छा है रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना, ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठती हो लेकिन नवीनता भी चाहिए ना, और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है,
बड़ी बात तो नहीं लगती है, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। पांडव भवन को बनते बनते 30 साल, ज्ञान सरोवर को 30 महीने और शांतिवन को 30 हफ्ते। हाँ, इतना फास्ट बना था, मतलब ये एक सीक्वेंस बता रहे, एग्जैक्ट नहीं है, सबसे फास्ट शांतिवन बना। उसमें एक इंजीनियर का शरीर भी छोड़ दिया। तो खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हो? सहयोग का साथ दे रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के कार्य में जब स्थान बनता है तो सहयोग के साथ दे रहे हो? कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं, अच्छा है। म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले हैं, आपको पता है ना? आबू का म्यूजियम, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, कैसे वो म्यूजियम बना था। 17 जनवरी को तो उसका पूरा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन। बाबा म्यूजियम को हाँ करके अपना ये जमीन लेना है, वहां होते थे मेले, पर ये अपनी जमीन खरीदनी है, ये बाबा 17 जनवरी को हाँ किया था। फिर वो साइन विश्व किशोर दादा ने साइन करके लाए थे पेपर्स। तो म्यूजियम भी, म्यूजियम वाले बच्चे भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, अब इसकी अलग स्टोरी कभी सुनाएंगे, कभी याद दिलाना। कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। हॉट प्लेस पे है ना म्यूजियम, नक्की लेक। इस बार देखा ना सभी ने म्यूजियम? इस यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहां काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है, अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो तो सब मधुबन से ही आते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते, भाई हमने मधुबन में ये देखा, तो मतलब 100% राइट है, करो, तुम ग्रीन सिग्नल है, तुम भी करो। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते, इसलिए इतनी इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते हैं। संगम भवन ये आबू रोड का सेंटर है, ये सब हेडक्वार्टर्स में आता है, वो सेंटर है। लोकल में लोग क्लास जो करना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ तो कोई वैसे रहने का स्थान नहीं ना, लोकल जो आबू रोड निवासी, उस तरफ एक स्थान बना हुआ है संगम, संगम भवन। हम लोग जब पहले मधुबन जाते थे तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी, ना दिल्ली से ना बॉम्बे से, तो अहमदाबाद से आते, फिर अहमदाबाद से आबू रोड, आबू रोड में संगम भवन पे रुकते रात को, फिर वो संगम, वो भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाती है, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं।
अच्छा है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को है, एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते कि ये कुछ नहीं करते, वो समझते कि हाँ ये करते हैं। यही कंसेप्ट से हॉस्पिटल बना ना, कि लोग सोचते कि तुम लोग खाली बस स्पिरिचुअल बातें ही करते हो, लेकिन ये तो करते ही नहीं है। तो बहुत करते, हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं, मैं परिवर्तन कर लिया, कुछ नहीं को, कुछ नहीं को करते हैं, मैं परिवर्तन कर लिया, कि ये कुछ नहीं करते हैं, उससे योग है, क्योंकि कितनी चैरिटेबल, चार्जिंग तो बहुत कम होती है, वह चैरिटी ज्यादा होती है ग्लोबल हॉस्पिटल, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी, उस समय नया नया ही था ना हॉस्पिटल भी। अच्छा, बाबा का आज का मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, आज ये याद प्यार है, वरदान है, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों की जाल है, यह जाल के क्वेश्चन के रूप में होती है, जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा, इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो, तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। आज मास का तीसरा रविवार है, सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30, हर थर्ड संडे को इंटरनेशनल योग होता है, योग के अभ्यास का अनुभव करना है। अच्छा जी।